ओम नमः। जून महीने की पूनम से जुलाई महीने की पूनम तक ओमकार तृतीयांश क्रिया दो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मैं भक्तों को इस तृतीयांश क्रिया दो में कुछ विद्या प्रदान करूंगा, जिससे वो भक्तजन सीखकर अपना, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का और उनके पास आने वाले लोगों का दुख दर्द दूर कर सके। वो विद्या ओमकार तृतीयांश क्रिया योग दो में आपको सीखने को मिलेगी। उस विद्या में मैं बहुत सी शक्तियां ऐसी सिखाने वाला हूं जो आपने सुनी तो है, उसके नाम आपने सुने हैं, लेकिन किस तरह से उस शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, किस तरह से वो शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है, किस तरह से संसार में रहकर भी आप उन शक्तियों को प्राप्त करके उसको अपने कुटुंब के फेवर में, अपने स्वजनों के फेवर में, अपने मित्रों के फेवर में आप उसकी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, वो सारी बात मैं ओमकार तृतीयांश क्रिया योग में विस्तृत तौर पर सिखाने जा रहा हूँ। यदि आप भी ओमकार तृतीयांश क्रिया योग दो में जुड़ना चाहते हैं तो अपने नाम ओमकार संप्रदाय शक्तिपीठ आश्रम पर लिखा दें। अध्यात्म के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मोक्ष के मार्ग से जाना चाहते हैं तो किसी भी मोक्ष में गए हुए परमात्मा के रास्ते की कॉपी ना करें, अनुसरण ना करें। बुद्ध के मोक्ष में जाने का मार्ग अलग था, उसे आप निर्वाण कहते हैं, जो बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। जैन धर्म को फॉलो करते हैं, मोक्ष में जाते हैं जैसे परमात्मा महावीर गए थे और बाकी 23 तीर्थंकर गए थे, कृष्ण राम जो मोक्ष में गए हैं। अगर आप उनके रास्तों पर चलेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, लेकिन अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको आपके सर्जन को, आपके आध्यात्मिक पथ को, आपकी आध्यात्मिक दिशा को खुद खड़ा करना होगा। जैसे कबीर जी है जिन्होंने दोहे और भजन से मोक्ष की प्राप्ति की, जैसे कि गुरु नानक है वो भी भजन कीर्तन से मोक्ष की ओर अग्रसर हुए, आगे बढ़े और मोक्ष में गए। भजन से भी, लेकिन वो भजन कौन से, खुद की रचित किए हुए दोहे, खुद की रचित की चौपाई, खुद की रचित किए श्लोक। जैसे मैंने अपने जीवन में मंत्र शक्तिपाद की रचना की, मंत्रों की रचना की, कर रहा हूँ, ओमकार चालीसा की रचना की, नवदुर्गा चालीसा की रचना की, ज्योतिर्लिंग चालीसा की रचना की, जो कुदरत ने मुझे निमित्त बनाकर करवाया, लेकिन वो रास्ता मेरा अलग था, मैंने अलग रास्ते को चुना और उस रास्ते पर मैं चला। उसी तरह से मैं ओमकार तृतीयांश क्रिया दो में आपको किस रास्ते पर चलना चाहिए ताकि आपको मोक्ष मिले, आप खुद के गुरु कैसे बन सकते हैं, अपनी आत्मा को गुरु बनाकर किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, वो बात मैं आपको ओमकार तृतीयांश क्रिया योग दो में सिखाने जा रहा हूँ। इस बात को सोचिएगा कि अगर आपको मोक्ष में जाना है तो आप किसी के रास्ते की कॉपी करके नहीं जा सकते। आप महावीर के रास्ते पर चलेंगे तो आपको रास्ते में चंड कौशिक मिलेगा जो आपको डंक देगा, उसके बाद आपके शरीर से लहू नहीं दूध की धारा बहेगी। वो महावीर के साथ हुआ था, वो महावीर की जीवन की जननी थी, उनके पिछले कई जन्मों के पुण्य का फल उनको मोक्ष के जन्म में मिला और बहुत सी तपश्चर्या महावीर ने की, ऐसी भगवान बुद्ध ने की। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप मोक्ष में जाने के लिए तत्पर है तो आपको खुद की आध्यात्मिक पद्धति को विकसित करना होगा और वो आपको सिखाएगी ओमकार तृतीयांश क्रिया योग दो। तो आइए ओमकार तृतीयांश क्रिया योग में जुड़े और अपने आध्यात्मिक चेतना को जागृत करके अपने मोक्ष के जाने का रास्ता खुद ही बनाए, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा, दिशा सूचक दूंगा, पथ दर्शक बनूंगा, आपका गुरु बनूंगा। लेकिन आपका सबसे पहला गुरु होगा आपका खुद का आत्मा, जो हजारों साल से आपके साथ जर्नी करते हुए यहाँ तक पहुंचा है। ओमकार के दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद से आपको
आपके मोक्ष का मार्ग मिले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि प्रितेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाए और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो।